मैंने बोल दिया पैसे दो, तारीफ कर दी तुम्हारी। ये जबरदस्ती थोड़ी करवाते हैं तारीफ, दिल से होती है। पहला क्वेश्चन पूछेगी पायल, तूने मुझे बताया नहीं क्वेश्चन पूछना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे थोड़ा ये लोग एंजॉय भी किया है और साथ में यहाँ पे ब्लॉक भी बनाया हुआ है थोड़ा लॉन्ग ब्लॉक के हिसाब से। और यहाँ पे ये लोग बोल रहा है जीजू हार गए, पूजा जीत गए, यानी कि ये लोग थोड़ा वीडियो भी बनाया हुआ है। और ये वीडियो का जो यहाँ पे ट्रेंडिंग आ गया है लोग का सॉन्ग, जो कि गंदा सा ये नाम है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लिंक डाला हुआ है और वहाँ पे जाकर आप लोग देख सकते हैं फुल वीडियो। और थोड़ा यहाँ पे चला भी देते हैं, थोड़ा आप लोग थोड़ा ट्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे किसी का एंगेजमेंट नहीं है और यहाँ पे जानते हैं आगे भाई। तो सबसे पहले भाई खुशखबरी है कि हमारी साली की एंगेजमेंट है और घर बसने वाला लड़की का, और बहुत ही समझदार लड़की है, पूरा घर का ध्यान रखती है। और मैं चाहता हूँ जिस घर में जाए उसका भी ध्यान रखे। और यहाँ पे फैज भाई बैठे हुए हैं। अभी हम 16 तारीख को यानी कि 4 दिन बाद, 2 दिन बाद, कल परसों शाम को हम कहाँ आने वाले भाई बता दो। अरमान भाई आ रहे हैं परसों 16 तारीख को 4 बजे निहाल विहार सैफी फार्म हाउस पे, और उसके बाद जाएंगे ड्रैगन फिटनेस जो पश्चिम बिहार में, नहीं भाई निहाल विहार में है। तो पहले हम पहुंचेंगे घर। भाई एड्रेस तो बता दो थोड़ा सा। सैफी फार्म हाउस निहाल विहार, गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। सैफी फार्म हाउस। तो भाई हम बकायदा लोकेशन डाल देंगे स्नैपचैट पे। और ये भाई लड़की बहुत सुंदर लग रही है, वेट वोट बढ़ा के अभी तो भाई चेंज करने वाली। माशाल्लाह ये मेरा पुराना लुक है। और दूसरी जो हमारी एक और मोहतरमा है वो भी बहुत सुंदर लग रही है। माशाल्लाह सारी सही कह रहे थे। चीकू को भैया थोड़ा स्टाइलिश बना हुआ। अच्छा ये आप अभी आते हुए लेके आएंगे? मैं इसके लिए मैंने बोल दिया पैसे दो, तारीफ कर दी तुम्हारी। मैंने ऐसे ही बोला था कि थोड़ी तारीफ कर देना। ये तो साहब ने बिल्कुल ही बता रहे हैं कि हम भैया जबरदस्ती थोड़ी करवाते हैं तारीफ, दिल से होती है। अच्छा दीजिए बोल रहा है, अगर आप लोग गंडासा गाना अगर नहीं देखे तो आप लोग देख लीजिए। जिसका नाम है गंडासा, नंबर 1 रिकॉर्ड्स पे गाने को आपने इतना प्यार दिया कि गाना कुछ ही घंटों में ट्रेंडिंग पे आ गया। ऐसे ही प्यार देते रहो गाना बहुत दिनों तक ट्रेंडिंग पे। तो गाइस फाइनली मैं बैठ चुकी हूँ अपने पीछे की मेहंदी लगवाने के लिए, और मैंने भी गोलू वाली साड़ी पहन ली है। ये साड़ी मैं बहुत पहले आई थी पर हम पहन ही नहीं पाए थे, तो मैंने सोचा आज क्यों ना हम पहन ही ले। गोलू क्या हुआ? अरे यार भाई क्या कुछ ही नहीं, ये जो मोती है ना मैंने हील नहीं पहन रखी ना, मैंने ये जो ये जो मोती है ना ये पैर में आ रहे हैं। बस मैं सोच रही हूँ कि अब मैंने कर ही लिया, थोड़ी देर में चेंज कर ही लेती हूँ। नाइट सूट पहनती हूँ यार, हमारे घर में कुछ ना हो रहा है यार, घर में इतने सूट है गाइस, इतने सूट है। पापा हमें दो चार अच्छे सूट लेके आते, रात को संगीत में सूट पहनते। तो अभी तो सूट लेके आ सकते हैं, अगर तू कहेगी तो मैं जाके ले आऊंगी। हाँ से घर पे से जो सुबह पहने थे हमने, मैं वही सोच रही सूट पहन लेते हैं, मेरा तो मन नहीं नाइट सूट पहनने का। ऐसे लुक में मैं चाहती हूँ सूट पहन के एक आधी वीडियो और बना देंगे। सूट पहन के हर कोई बनाता है, नाइट सूट पे न्यू हो जाएगा दीदी। आप चुप रहो, आपने नाइट सूट पहना है, बिल्कुल चुप रहिए। इसको मैं भेजती हूँ स्कूटी पे, स्कूटी पे भेजती हूँ, जाके ले आएगी वो दोनों सूट, ठीक है? और ये साड़ी बड़ी रखेगी। तो गाइस मैंने सोचा देखो नई नई शादी हुई है, तो भाई देखो देखते हैं कि मनु जीजू पूजा को कितना जानते हैं, ठीक है? तो अभी हम पूछेंगे क्वेश्चन, तो आपको जवाब देना। पूजा सच बोलना, ये नहीं कि मनु कुछ बोल रहा है तो हाँ में हाँ, ऐसे नहीं, ठीक है? तो क्वेश्चन पूछते हैं, पहला क्वेश्चन पूछेगी पायल। तूने मुझे बताया नहीं क्वेश्चन पूछना है, छोड़ती तो थी। टाइम गेम बनाई, एट ओ टाइम बोले मैं बार करी देखा। काम करते हैं नए वालों से थोड़ा बाद में पूछते हैं, पहले जो ओल्ड हो गए हैं पहले उनसे पूछते हैं कि जो हमारे ओल्ड कपल्स हैं वो एक दूसरे को कितना जानते हैं। ये बात बोली, ठीक है? एक सेकंड, ओल्ड कपल सबसे ओल्ड कपल कौन है? पापा मम्मी, मासी भी तो है, मासी के बाहर है ना अंकल। तो पापा से पहला क्वेश्चन ये है कि पापा अपनी मम्मी को पहली बार कब देखा था? पापा अपनी मम्मी से तब मिले था जब ये पैदा हुए थे। पापा आपने मेरी मम्मी को पहली बार कब देखा था? तेरी मम्मी को मैंने पहली बार देखा था, पहली बार जब पहली बार आंखों में आंखें, पहली बार है वो, पहली बार कब देखा था? ये 90 नहीं, मतलब क्या क्या टाइम था, क्या समय था क्या सिचुएशन, क्या वार था, क्या तारीख, मतलब
कहाँ थे आप? मैं कुछ कहीं नहीं था। मेरे को पकड़ के ले गए थे घर वाले, पटेलनगर चल रहे, तैयार हो जाओ, वहाँ पे वो फंक्शन है, तैयार हो गए, पटेलनगर चले गए, वहाँ पे सामने सारे इसके मम्मी पापा भी आ गए, हमारे मम्मी पापा सब बैठे गए, अरे ये देखो ये लड़की है, ये लड़का है, ये है वो वगैरह, बस चालू हो गई। तो तब देखा पहली बार मम्मी को। पक्का पक्का मम्मी? हाँ पक्का। लॉक करा जाए मम्मी कुछ और कहना चाहती है? मम्मी को पहली मीटिंग याद आ गई है जब मम्मी पहली बार पापा से मिली थी, जब इधर के मम्मी पापा और उधर के मम्मी पापा एक दूसरे से मिलवाने गए थे, तो मम्मी इसलिए शर्मा रही है। क्या शर्माना, 32 साल हो गए, अब तो 33 साल होने वाले हैं। मैं शर्माती नहीं हूँ, जो बात थी उन्होंने बता दी, बात तो एक ही है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मन्नू से पूछा जाएगा। मन्नू, पूजा की कौन सी बात अच्छी है और कौन सी बात बुरी है? तो बताओ जो लड़ाई हो जाए। ये नहीं। मन्नू ने पूजा को जब पसंद किया था तो कौन सी डेट थी? और पूजा ने क्या पहना हुआ था? हाँ, कौन से कलर का सूट पहना था, प्रॉपर बताना। सूट पहना था या वन पीस वगैरह था या क्या पहना था, कैसे बाल थे, कौन सा लिप कलर था? मुझे भी पता है, हमारी तो थी अरेंज मैरिज, तो घर वाले ने कहा कि लड़की अच्छी है, घर की लड़की है, तो फिर मैंने कहा ठीक है जी। फिर एक बार ही मिला मैं इनसे, मतलब पहली बार जब मिले थे सारे घर परिवार मिले थे। तब उस दिन क्या पहना था? ये नहीं पूछ रहे हम, पूजा ने क्या पहना था, आगे बता रहा हूँ। अच्छा, पूजा ने पहना था, मुझे याद है, मुझे याद है, मैं प्रूफ के लिए फोटो निकाल रही हूँ। नहीं नहीं मुझे याद है, क्योंकि अच्छे से इसका मतलब चक्कर क्या था, इतने सब घर परिवार वाले, पहली मीटिंग हुई थी, घर परिवार सब थे, तो मैंने कहा कि कहाँ देखूंगा, लड़की की तरफ देखूंगा तो घर वाले कहेंगे अभी से नजर डाल रहा है। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, थोड़ी थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। वो एक लाइट कलर का सूट था। हाँ, सूट था लाइट कलर का, बता रहा हूँ, काजू रंग का, शायद काजू रंग का शर्ट पहनी है, शायद काजू रंग का वो था सूट। तो भाई पूजा ने फोन आ रहा है, पूजा ने पहना था लाइट पिंक कलर का, लाइट पिंक कलर का, बिल्कुल। और जहाँ चौका, एक बात क्या है, एक तो हिंदुस्तान के महा यूट्यूबर के सामने ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो ये पूछ रहे हैं, थोड़ा बंदा नर्वस तो होगा। यूट्यूबर बाद में, पहले साली आपकी, तो साली से कैसे घबराना, बचपन से जानते हैं दूसरे को। मेरा कहने का मतलब ये था कि थोड़ा सा नर्वस हो गया था उस समय भी, मतलब मैं समझ गई। बच्चों, जीजू हार गए, जीजू हार गए। अभी पूजा जीतेगी, काम करते हैं, थोड़ा प्लानिंग कर लेते हैं क्वेश्चन। लड़की के लिए भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होना चाहिए, ये ना हो कि कह दे पार्शियलिटी कर रहे हैं अपनी लड़की के साथ, तो कुछ अच्छा सोचते हैं। कह रही है कुछ सोचती हूँ, रुको मैं सोचती हूँ यार, मेरे को कपल वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे। रुको रुको, मैं को सोचूंगा, मैं सोचती हूँ। आज के बाद जो काजू है ना वो पिंक कलर का हो जाएगा। काजू इज अ न्यू पिंक कलर। हाँ यार, पूजा के लिए क्वेश्चन, कुछ काजू कलर, कुछ ऐसे था। हाँ, लाइट। अच्छा, अपने कपड़े पूरे ही आते ना, ग्रीन कलर का। अच्छा, मैंने पूछा पूजा पे नजर नहीं गिरी, इतने सारे लोग थे, काजू के ऊपर पिंक कलर की छोकरा चढ़ जाएगी, ड्राई फ्रूट के अंदर से। चलो यार, पूजा के लिए कुछ सोच रही हूँ, मतलब दिमाग लगाना पड़ रहा है, ऐसा ना हो कि लोग सोचे अपनी बहन से इजी क्वेश्चन पूछ लिया है, जीजू से मुश्किल, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछे। मन्नू जीजू कह रहे मैं इतनी खूबसूरती में, खूबसूरती में डूब गया था। मैंने कहा पूजा घर जाके बताएगी कौन सी खूबसूरती में डूबे थे तुम, पूजा घर जाके बताएगी घर जाके काजू क्या होता है, पिंक कलर क्या होता है। ये काजू, ये मजाक कर रही हूँ गाइस, सिर्फ और सिर्फ मस्ती मजाक चल रही है। पूरा 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 ये पूरा यार क्वेश्चन सोच रहे हैं। अच्छा, केशव बता रहे हैं क्वेश्चन, कह रहे हैं कि ना जब पहली बार पूजा मम्मी के घर गई थी, शादी का पर्क फिर होता है, तब पूजा ने कौन सा सूट पहना था? पूजा ने, वो तो पूजा बता देगी। हाँ, क्या मुझे बताइए आंसर। फिर अभी जब पूजा पहली बार गई थी तो उन्होंने फालसे रंग की साड़ी पहन रही थी, उस दिन इतनी खूबसूरत लग रही थी, मैं तू जहाँ मर्जी बोल दे, बस उसी दिन नहीं, बस उसी दिन। अरे पूजा को देखते पूजा फोन निकालने लग पड़ती है, पूजा को रोको।
अच्छा अच्छा मैं पूछती हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है, वैसे शायद उसे याद भी हो क्योंकि उसकी शादी की मेहंदी थी, कि मन्नू ने उसका नाम कहाँ लिखवाया था शादी पे? हाँ, यहाँ पे बीच में सेंटर में लिखवाया था मन्नू। लड़कों से कुछ नहीं पूछना चाहिए, लड़कियाँ बहुत ज्यादा समझदार होती है, रिलेशनशिप के लिए समझदार होती है, उसको सब याद रहता है। जो डेट पूछी थी ना कि किस दिन हमने बात की थी, 2 अगस्त को बात हुई थी हम लोगों की, जब फैमिली में कोई बात हुई थी। पूजा जीत गई, पूजा जीत गई, मन्नू हार गया। तो बात नहीं, हमारी रानी जीते और इससे बढ़ के क्या चाहिए। ये तो हो गया, चिट भी मेरी पट भी मेरी। तो भाई हमारे घर की एक और लड़की है जो मैरिड है और जो यहाँ पे अभी मौजूद है। तो अब भाई जीजू यहाँ पे है नहीं, पर छोड़ा नहीं जाएगा, अभी वीडियो कॉल लगाया जाएगा और अभी लाइव आपको सुनाया जाएगा कि सैंडी भैया कितना प्यार करते हैं, जीजू कितना प्यार करते हैं इसको। मम्मी कह रही है तू पागल है। प्यार मेहंदी है। नहीं ऐसा क्या, ये इसको तो आई नहीं ना, कह तो रही है वहां से है। अच्छा तेरे तरफ से नहीं है। का मतलब दोनों तरफ से है, पर होता ना हस्बैंड वाइफ में से एक बंदा ज्यादा ज्यादा है तो सैंडी बिल्कुल। देखो मास्टर एक सेकंड, सास बताएगी, सास जी आप बताओ क्या बात है, पूरी सही कह रही है, क्या बात कह रही है। सैंडी जी जो बहुत प्यार करते हैं दादी, रहने आती है तो दोस्त एक दिन दो दिन तीसरे दिन वो आ जाते हैं, तीसरे दिन आ जाते हैं। अच्छा राधिका, राधिका बाल कॉल सेट कर रही है, कॉल लग गया, वीडियो कॉल पे आ गए। बोलो विक्की फूल लगा के देख, पूछेंगे बोलो। विक्की अंकल फूल लगा के जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे हमारी मम्मी। नहीं नहीं आप ही करो। नहीं मैं क्या कर दूं, मैं आप बोलो। सालियां अच्छी लगती है, सालियां ठीक है, ओके मैं पूछती हूँ, रुको याद करने दो कुछ। गोलू तू बताना, ठीक है ठीक है। गोलू देखा कह रहे आपका दो। तो जीजू मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि राधिका जब आपके घर पे शादी के बाद आई थी तो उसने पहली बार खाने में क्या बनाकर आपको खिलाया था, फर्स्ट टाइम? बहुत इजी क्वेश्चन है, हर बीवी हेलो खिलाती है। तो हम सेम क्वेश्चन करने वाले हैं सैंडी जीजू से, जो हमने मनु जीजू से किया है, कि जब राधिका आपसे फर्स्ट टाइम मिली थी या आप देखने गए थे फैमिली के साथ, तो राधिका ने क्या पहना था? हाँ तो राधिका ने क्या पहना था जीजू, क्या 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 हुआ, फोन कर गया क्या, भाग गया? 13 दिसंबर की क्यों? अच्छा एक तीर दो निशाने, कपड़े पूछ कपड़े। राधिका ने पहना क्या था ये बता दो, स्काई कलर का पहना था, सच सही जवाब है? नहीं पिंक पहना था, काजू मिल गया, काजू मिल गया, पूरे पूरे कपड़े बताओ। राधिका सफाई दे रही है सैंडी की, आप बताओ बताओ क्या हुआ था? मैं बता रही हूँ, हम लोग ना एक ही दिन में दो बार मिले थे, एक बार फैमिली के साथ और एक बार हम पर्सनल मिले थे, शाम को मिले थे पर्सनली। तो जो पर्सनली मैंने पहना था ना, तब मैंने स्काई ब्लू डाला था टॉप का, इसलिए वो बता रही हूँ। चलो 50-50 कोई बात नहीं। तो गाइस यहाँ पे फाइनली मैंने कर लिए हैं अपने कपड़े चेंज, ये कपड़े मैंने सुबह पहने थे और मैं टांग के आ गई थी, मैंने सोचा था कि शाम को मेहंदी के बाद ना यही पहन लूंगी, तो और ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। अब हम करने वाले हैं संगीत की तैयारी। नहीं संगीत तो करा, तैयारी कब तक करते रहोगे? नहीं नहीं बजाएंगे नहीं जब तक। तो यहाँ पे पूरी साफ सफाई हो गई है, कुर्सी बाहर निकाल दी है, आपको आती बजानी? हाँ मैं ये बस थोड़ी बहुत बजा लूंगी। आपको मासी थोड़ी, आपको बोलिए पानी आती है? तो मैं और मासी करेंगे बोलियां पाएंगे, मम्मी ढोलक मम्मी को आता है और मासी हमारे साथ हमारा साथ देंगी, बाकी जो लेडीज है ना वो सारी निकम्मी है, पता नहीं। अच्छा एक हमारी ये निकम्मी नहीं है भाई, ये निकम्मी नहीं है, ये आ गई, जैसे मैंने बोला ना लेडीज निकम्मी है। एक्चुअली क्या है ना, सारे बच्चे वहाँ पार्टी कर रहे हैं, लेडीज यहाँ पार्टी कर रही है, तो मैं बोल रही हूँ बच्चों को आ जाओ क्योंकि वहाँ पे चल रहा है स्पीकर पे डांस। तो मैंने क्योंकि जब तक देखो शादी में मेहंदी में संगीत में जब तक डांस नहीं होता और जब तक स्पीकर नहीं बजता तब तक अधूरा है फंक्शन। काम करते हैं हमारे पास ऐसे साउंड्स हैं जिसपे हमारे कॉपीराइट नहीं आएगा, ठीक है तो साउंड पे वो चला लेते हैं। ठीक है ठीक है, पहली बार के हिसाब से बहुत अच्छा। अगर मैं ट्रेनिंग करूँ तो मैं बजा सकती हूँ, मतलब मासी कुक भी अच्छी है, कुकिंग तो मैं अच्छी, मासी संगीत का भी मतलब वॉइस भी अच्छी है और मासी क्या कहते हैं इसको ढोलकी ढोलक भी अच्छा बजा सकती है।
बोलिया मासी को आती सीमा मासी को। गाइज हम बहनों की ना मिली जुली सरकार है, किसी में कोई क्वालिटी है किसी में कोई क्वालिटी है, सीमा में है जो पर एक बात है, एक बात है देखो आज के टाइम पे बहुत सारे लोग होते हैं जैसे जो पहले ज्वाइंट फैमिली रहते थे धीरे धीरे ना वो लोग सेपरेट हो गए अपनी अपनी फैमिली को लेकर, पर टच वुड मेरी फैमिली के साथ ऐसा है कि देखो सारे गाइज यहाँ पे सारे ना ज्वाइंट रहते हैं, जैसे चाचू हमारे पापा मासियां, मतलब फंक्शन जैसे हमारे साथ मासी होता है कि अगर हमारे घर में फंक्शन हो हमें बाहर का बंदा बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर भी। पर यहाँ पे एक चीज अच्छी है, यहाँ पे लेडीज ज्यादा है, वहाँ पे हमारे एडिटर्स भी ज्यादा है। और अच्छी है तीन चाची है तीन मासियां गोलू की, ठीक है ना, वही सेम है सारा सेम है। तो गाइस लेडीज का कहते हैं ना कि जब वो तो बोलती रहती है बोलती रहती है, उनकी बातें खत्म नहीं होती, तो हमारी बातें खत्म नहीं होगी। मैं एक एक को खींच के यहाँ लेके आती हूँ। बोलो तू लाइन पे बिठाती जा, ठीक है। चीकू आपको संगीत सुनना है? हाँ जी। तो ऊपर चढ़ता हूँ, कोना पकड़ लो, जाओ कोना पकड़ो। ऐसे नहीं है, तेज हो गया था ऐसे। अच्छा। पीट रहे हैं हम। अच्छा। ऐसे ऐसे आराम से थोड़ा। अच्छा ठीक, वो तो पीटने वाला काम हो गया, अब ज्यादा हल्की हो गया। अच्छा बीच का चाहिए, बीच का। हाँ मैं बताता हूँ, एक मिनट तो मैं पैसे से। अब आया ना, अब नाच भी दिखाओ कोई। अरे कोई नाचो थोड़ा सा ना, मजा आ जाए। अभी पहले ढोलक अच्छे से बजेगा फिर किसी के पैर उठेंगे ना। हाँ। हाँ, तो मैं आपका साथ दे रही हूँ। तो गाइस सबसे पहले जो शुभ काम करते हैं वो भगवान जी से करते हैं, तो सबसे पहले करो गणपति बप्पा बोलिया। चलो जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाती पार्वती पिता महादेवा, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, देवा तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे कौन सा पायल मारे आवाज, पायल मारे ठुमका। अच्छा अरमान गिरता जाए। अच्छा गोलू मारे ठुमका अरमान गिरता जाए, आलू बड़े करार करम नाल आलू बड़े करार, पिता मारे ठुमका ते तरुण गिरता जाए, आलू बड़े करार करम नाल आलू बड़े करार। अरे मम्मी ऐसे क्यों खाना खा रहे हो, बैठ दो चम्मच चावल खाने थे, मैंने खा के साथ में पूरे दाने फेंक दूंगी। मैं फेंक दूंगी पैर जो। नहीं नहीं आ रही हूँ। अटे बेड़े शिव जी आए, गोरा अपनी नाल ले आए, गोरा अपनी नाल ले आए, गोरा तीन पे जमान करे तो पायल नहीं थी। सोच रही होगी कि यार जब हमारे घर में फंक्शन होता है गोलू की फैमिली इतनी टैलेंटेड है, इतने गीत आते मुझे नहीं आता, पता नहीं मासी मेरे को नहीं आते। ये बात कहना चाहती हूँ, आपने जागरण करना है ना तो दिल्ली में करो, इसलिए कहता हूँ हमारे सारे रिश्तेदार आते, नहीं तो एक भी मैया अपना अपना नाले हल्दी मसाले वाली ऐसे पिसेगी, ऐसे पिसेगी, सासू बुलाए चीना कैसे जाएगी, चीना कैसे जाएगी, मसाले वाली कैसे पिसेगी, कैसे पिसेगी भाई, कैसे पिसेगी, ऐसे ही मसाले वाली ऐसे पिसेगी, ऐसे पिसेगी, ससुर बुलाए चीना कैसे जाएगी, चीना कैसे जाएगी, चीना ऐसे जाएगी, कैसे पिसेगी, कैसे पिसेगी, ऐसे पिसेगी, ऐसे पिसेगी, निखिल बुलाए चीना कैसे जाएगी, चीना कैसे जाएगी, चीना ऐसे जाएगी, चीना ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, चीना कैसे जाएगी, पर मासी आप फोड़ के जाएगी, चीना ऐसे जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी। हम सबको नचाएंगे चीना की सगाई में,
आगे उसके बाद क्या करेंगे? ढोलक बजा रहे हो क्या? आपके हुए ढोलकी मैं बजा रही हूँ, मैंने भी बजा रही, कुछ भी नहीं बजा रही, पर मम्मी आप पे मारे हम नहीं। अच्छा आपको छोड़ देंगे, मेरे बारे में मुझे नहीं बनते। मासी कहीं मैं गाना गाने को भाई मैंने बजाया, मुझे भी नहीं दिया। मेरे को बोल रही है अब मेरी कर दो, लास्ट में उठ के आई है, हम इतनी देर से नाच रहे हैं यहाँ पे। सुनो भाई सुनो, बिल्कुल आपके पीछे पीछे। चुप कर दो, नहीं क्या भंगड़ा ता सजदा जे नचे कुड़ी ती मासी, भंगड़ा ता सजदा।
ਅਸੀਂ ਕੱਟਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਲਾਜੀ ਭੰਗੜਾ ਤਾਂ ਸਜਦਾ ਨੱਚੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਚਾਚੀ ਭੰਗੜਾ ਤਾਂ ਸਜਦਾ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜਰਾ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਚਾਚੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਵਾ ਬਈ ਵਾ ਚਾਚੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਵਾ ਬਈ ਵਾ तो गाइस मेरा एक गाना है बहुत ज्यादा दिल से जुड़ा हुआ है क्योंकि आप सभी को पता है मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं है पर अभी है। जिन्होंने मुझे जन्म दिया वो मेरे साथ नहीं है, जिन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया फिर भी वो मेरे को हर एक खुशी देते हैं मेरे माँ बाप। मम्मा आजी क्या बात है। एक गाना है जो मैंने अपनी शादी में गाया था और मैं और मम्मी फूट फूट के रोए थे, तो मैं चाहती हूँ उस गाने पे हम फिर से परफॉर्म करें दोनों माँ बेटी। फिर फूट फूट के रहूं तो बेटी जा, एक और बेटी जा रही है घर से तो होना पड़ेगा। तो गाने का नाम है ये गलिया ये चुबारा, तो हम शुरू कर दें। ये गलिया ये चुबारा यहाँ आना ना दोबारा, परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं। शादी में नहीं रुलाएंगे अभी, रोके खत्म करेंगे। मेकअप अभी पुराना हो गया है, मेकअप पुराना हो गया चाचू, शादी में रोएंगे। मम्मी पायल बड़ी जल्दी आयो ना, चलो चलो करो अभी टाइम है ससुराल जाने में। मैं तो इतने साल से ससुराल में हूँ अभी टाइम है। ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी लाइन है। चलो 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 इतना हो गया। सुनो ये गाना आज ही चलना था, अब शादी में नहीं चलेगा पापा। अरे पापा आप क्यों रो रहे हैं, आपकी तो दो बेटियां हैं। दोनों नहीं है, दोनों मेरी बेटी है, तीनों तीन मेरी बेटी है, तीनों मेरी बेटी। मैं तो तीन तीन बेटी हूँ बाबू, किसी में एक बेटी एक भी नहीं होती बेटी। मैं तो तीन तीन बेटी हूँ बाबू। माँ देख चौ तुम्हारा बेटा है, वो देख चार बेटी हम तो यही है, हम तो आते रहते हैं।